डोट फॉर टू लाइक में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन बहुत ही असेंशियल प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ही जरूरी होता है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है होता है एक प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स से एक न्यू प्रोजनी बनता है और ये बहुत ही असेंशियल प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को मेंटेन करता है तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे पहले रिप्रोडक्शन को समझेंगे क्या होता है रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेदर इट इज़ सेक्शुअुअल और ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन देन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज एन इंटीग्रल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन एक इंटीग्रल फीचर है मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और जाहिर सी बात है कि लिविंग बींग्स में ही होगा नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बींग प्रोड्यूस इट्स ओन लाइफ लाइक इज कॉल्ड रिपोर्डक्शन मंकी के भी प्रोजिनी मंकीज होते हैं ह्यूमन बींग्स के प्रोजिनी ह्यूमन बींग्स होते हैं डॉग्स के प्रोजिनी डॉग्स होते हैं कैट्स के एट्सेट्रा इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच स्पीसीज बिकॉज दिस इज द ओनली वे फॉर अ लिविंग बींग टू कंटिन्यू इट्स लीनिएज ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर नहीं होगा तो एक ही जनरेशन तक रुक जाएगा सब कुछ तो नेक्स्ट जनरेशन को लाना है उसके नेक्स्ट जनरेशन को लाना है तो इसके लिए एक कॉन्टीन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अपार्ट फ्रॉम बींग इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द होल इको सिस्टम और ये इको सिस्टम के बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है ठीक है रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस अमंग वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिटुेंट्स ऑफ द इको सिस्टम हम लोग बोले कि इको सिस्टम में बायोटिक और ए बायोटिक्स सब चीज़ों का एक इक्वल बैलेंस होना जरूरी है रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस अमंग वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिटुंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इकोसिस्टम में ए बायोटिक एंड बायोटिक दोनों ही कॉन्स्टिटुंट्स जो है दोनों ही फैक्टर को आपस में इक्वलाइज करके रखना चाहिए क्योंकि जो उसकी संख्या है वो न बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए तो उसको एक प्रॉपर मेंटेनेंस में रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है जितना डेथ रेट होगा उतना ही बर्थ रेट भी इंक्रीज होना चाहिए मोर ऑवर रीप्रोडक्शन ऑल्सो फैसिलिटेट इवोल्यूशन बिकॉज वेरिएशन कम थ्रू रीप्रोडक्शन ओवर सवरेज जनरेशंस तो देखिए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन में हम लोग बात कर चुके हैं कि वेरिएशन एक टर्म है जो भी प्रोजनी है वो अपने पेरेंट्स की तरह तो होते हैं लेकिन एकदम हुबहू तो पेरेंट्स की तरह नहीं होते वो हुबहू हु, ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन में होते लेकिन सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा अलग होते हैं ठीक है क्योंकि जो डी है उसकी कॉपीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन आता है और वो वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है वो वेरिएशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो जनरेशन जे, ओवर जनरेशन वेरिएशन आता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिप्रोडक्शन देखिए दो तरह के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दिखा रखा है कि फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है और दूसरा है ए रिप्रोडक्शन जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन केस ऑफ प्लांट्स कहते हैं और ये सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मेल एंड फीमेल एंड ए रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स से ही प्रोजनी डेवलप होता है उसी सिंगल सेल का डिविजन होता है नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू मेन टाइप्स विच इज ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल वेन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस जब एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस ही नहीं है एक सिंगल पेरेंट डायरेक्ट प्रोजनी को बोर्ड दे रहा है द मेथड इज कॉल्ड ए सेक्शुअल नो म्योसिस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्योसिस प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड गैमेट फॉर्मेशन टेक्स द मैथड इज कॉल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन Meiosis happens during gamete formation which is an important step of sexual reproduction. Sexual reproduction में two parents का involvement होता है, asexual reproduction में single parents का involvement होता है. Sexual reproduction में meiosis process होता है और asexual reproduction में कोई भी मियोसिस process नहीं होता है. तो ये दोनों के बीच में basic difference है. I hope students आपको समझ में आ रहा होगा. Types of asexual reproduction. Asexual reproduction, fission. बाइंड्री फिजन देखो टाइप्स में पहला तरीका होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फिजन से ठीक है जिसमें यानी सेल आपस में ब्रेक डाउन कर जाता है ठीक है तो ये दो तरीका होता है बाइंड्री फिजन अगर एक सेल दो टुकड़े में टूटता है तो उसे बाइंड्री वर्ड कहेंगे और अगर बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है तो उसे मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो प्लांट केस में होता है बडिंग हाइड्रा में होता है ईस्ट में होता है रीजनरेशन प्लेन एरिया में होता है फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है और स्पोर फॉर्मेशन ये अलग अलग प्रोसेस है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग